गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में। इसमें हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कई सारी पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इनका वन बाई वन हम सबका एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका इंटरव्यू 17 मई 2024 को होना है और इसकी प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन की पोस्ट है जो कि नॉन मेडिकल पोस्ट है। इसके लिए 56,000+ 27% HRM पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ये आप इसको केयरफुली रीड कर लेंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इस पोस्ट के लिए दिया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बना करके अब 17 मई 2024 को ICMR के इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में जो कि प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट की पोस्ट है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट हैं, 2 OBC और 2 अनरिजर्व। इसके लिए 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उन कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट की वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वो ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बना करके आप 22 मई 2024 को ICMR के राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट भी राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई में ही निकली हुई है जो कि प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की पोस्ट है और इसके लिए 28,000+ 9% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए है। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट यहाँ पर ये दी हुई हैं। इन पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। इस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर जाएंगे और इस लिंक पर जाकर के ये आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस लिंक पर जाकर के अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जो कि नेक्स्ट पोस्ट साइंटिस्ट सी की पोस्ट है और इसकी एक पोस्ट है, इसके लिए 67,000+ 8% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए दी हुई है। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। इस पोस्ट के लिए भी आप इस लिंक पर जा करके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए 15 मई 2024 को आप इंटरव्यू ICMR के राष्ट्रीय प्रजनन बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट की है जो कि एक पोस्ट है और इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इसके लिए 67,000+ HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये कुछ टर्म और कंडीशन इस पोस्ट के लिए दिए हुए हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 22 मई 2024 को ICMR के राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान में होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जो कि नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की है और इसके लिए 28,000+ HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बना करके
आप 24 मई 2024 को इस पोस्ट के लिए ICMR के राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई में जाकर के इंटरव्यू दे सकती हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट भी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की है, और उसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है और उसके लिए 28,000 प्लस HRE पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ये कुछ टर्म और कंडीशंस हैं, आप केयरफुली रीड कर लें एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बना करके आप 22 मई 2024 को ICMR के राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान में जाकर के इंटरव्यू 22 मई 2024 को दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की है, जो जिसके लिए 56,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। एक पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन ये यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और इस पोस्ट के लिए ये लिंक जो दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए 23 मई 2024 को ICMR के राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की है, और एक पोस्ट है, इसके लिए 56,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, और ये कुछ टर्म और कंडीशंस हैं, आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और इस पोस्ट के लिए भी आपको ऑनलाइन लिंक ये जो दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर के अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 23 मई 2024 को ICMR के राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई में जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कई सारी पोस्ट ICMR में निकली हुई है, आप इन पोस्ट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। समय समय पर आप ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन इस पोस्ट में होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा।